गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 6 द माउस। आज हम चैप्टर नंबर 6 में माउस के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि कंप्यूटर का एक पार्ट है, जो एक इनपुट डिवाइस है, वो हमारा एक क्या है, माउस है। जैसे कीबोर्ड होता है, जॉयस्टिक होता है, उसी तरीके माउस भी हमारे कंप्यूटर का एक पार्ट है। ठीक है, तो माउस हमारा क्या है? अ माउस इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का पार्ट है। इट हैज़ टू बटन एंड स्क्रॉल व्हील। इसके दो बटन हैं और एक क्या है, स्क्रॉल व्हील है। ए लॉन्ग वायर जॉइंट टू द सीपीयू बॉक्स, और ये किससे कनेक्ट होता है, सीपीयू बॉक्स से। इसका जो वायर होता है, एक लंबा तार होता है जो सीपीयू बॉक्स से जॉइंट होता है। ये आपका माउस है, ठीक है। ये आपका क्या है, लेफ्ट बटन है, और ये क्या है आपका, राइट बटन है। और ये क्या है, ये स्क्रॉल व्हील है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, अप एंड डाउन करते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये वायर है जो आपके सीपीयू से कनेक्टेड होता है। माउस क्या है, उसका यूज़ क्या है बेटा, देखिए माउस जो है, मूव द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन, जो हमारे स्क्रीन पे एक पॉइंटर शो करता है, ठीक है, वो क्या करता है, मूव करता रहता है। हमको क्या है, अगर किसी, जैसे इस वाले, इस लाइन पर हमें जाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने पॉइंटर को वहाँ पर ले जाएंगे और फिर इस लाइन पर हम पहुँच जाएंगे। अगर हमें इसे, इस वर्ड को डिलीट करना है, तो हम इसको सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। फिर क्या है, सेलेक्ट एंड पॉइंट एट आइकन्स ऑन द स्क्रीन। हम आइकन्स यानी अपने विंडो के जो आइकन्स हैं, ठीक है, अपने डेस्कटॉप में जो आइकन्स आपके शो करते हैं, उसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं। और उस आइकन्स को हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट्स के जरिए से, मतलब पॉइंटर को वहाँ पे ले जाके उसको हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे गेम प्ले भी कर सकते हैं और पिक्चर को हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ भी करते हैं, ठीक है। आप MS पेंट में पिक्चर कैसे ड्रॉ की जाती है, वो आपकी यहाँ पर शो करती है। क्लियर है? नेक्स्ट यह देखें, हाउ टू होल्ड अ माउस। हम माउस को कैसे होल्ड करते हैं, देखिए ये आप देख रहे हैं कि माउस, ठीक है, अपने पांचों उंगली को ये क्या करते हैं, इस तरीके हम माउस को पकड़ते हैं, ठीक है। ये जो मिडल फिंगर है, ये आपकी क्या है, राइट बटन पर है। जो इंडेक्स फिंगर है, वो आपकी क्या है, लेफ्ट बटन पे। थंब जो है आपके माउस की जो नीचे साइड में है, ठीक है, तो हम उसको पकड़े हुए होते हैं। देखिए, वी प्लेस द पाम ऑफ अवर हैंड ओवर द माउस टू होल्ड इट, ठीक है। पाम से हम लोग अपने क्या करते हैं, माउस को कवर करते हैं। फिर प्लेस द इंडेक्स एंड मिडल फिंगर ऑन द लेफ्ट एंड राइट बटन। मिडल फिंगर से और इंडेक्स फिंगर से हम क्या करते हैं, लेफ्ट और राइट बटन को पकड़ते हैं, ठीक। और फिर थंब ऑन द साइड, उसी तरीके जो हमारा थंब होता है, उसके साइड पर होता है। क्या है आपका, माउस एक्शन। माउस एक्शन देखिए क्या है, व्हेन वी मूव द माउस, वी सी एन एरो दैट मूव ऑन द स्क्रीन। दिस एरो इज कॉल्ड द माउस पॉइंटर। Thus, a mouse is also called a pointing device. We use a mouse to different action. क्या है आपका, देखें ये mouse है, ठीक है, ये आपका arrow दिख रहा है। ये जो arrow दिख रहा है, यही हमारा क्या कहलाता है, mouse pointer कहलाता है, ठीक है, क्योंकि ये screen में क्या करता है, चारों तरफ move करता है। और फिर यही mouse हमारा क्या कहलाता है, pointing device, क्या कहलाता है, pointing device, ठीक है। इसी mouse से हम लोग different types के action को करते हैं। फिर क्लिक, प्रेस द लेफ्ट माउस बटन वंस विद द इंडेक्स फिंगर इज कॉल्ड अ क्लिक और सिंगल क्लिक। जब हम क्या करते हैं, लेफ्ट बटन से माउस के लेफ्ट बटन को एक बार प्रेस करते हैं, ठीक है, वो भी किससे, इंडेक्स फिंगर से, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, क्लिक, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल क्लिक भी कहते हैं। एक क्लिक ऑन द लेफ्ट बटन सेलेक्ट एन आइकन ऑन द स्क्रीन। एक बार लेफ्ट बटन को हम लोग क्लिक करते हैं, तो हमारा आइकन क्या होता है, सेलेक्ट होता है। और हम ये भी कहते हैं कि माउस से जो हमारा लेफ्ट बटन होता है, वो किसके लिए होता है, किस लिए होता है, वो सेलेक्ट करने के लिए होता है, ठीक। दिस क्लिक इज आल्सो यूज्ड टू ओपन अ मेनू ऑन द रिबन। हम यही जो क्लिक है, अगर इसको क्लिक करते हैं, तो जो भी मेनू है, वो हमारी क्या होती है, ओपन हो जाती है। नेक्स्ट क्या है हमारा, डबल क्लिक। डबल क्लिक से क्या होता है, लेफ्ट, प्रेसिंग द लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस क्विकली विद द इंडेक्स फिंगर इज कॉल्ड अ डबल क्लिक। जब हम बटन को, माउस बटन को दो बार प्रेस करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, डबल क्लिक, ठीक है। डबल क्लिकिंग ऑन एन आइकन
अलाउ अस टू सी वॉट इट कंटेन। डबल क्लिक से क्या होता है कि वो आइकन पे जब हम क्लिक करते हैं तो वो अलाउ करता है कि क्या, मतलब जो कंटेन है वो हमें क्या करती है, दिखाई देती है। इट इज़ यूज टू सेलेक्ट अ वर्ड, और किसी भी वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए हम डबल क्लिक करते हैं। अब राइट क्लिक क्या होता है, प्रेसिंग द राइट माउस बटन वंस विद द मिडल फिंगर इज कॉल्ड अ राइट क्लिक। जब हम मिडल फिंगर से एक बार प्रेस करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, राइट क्लिक कहलाता है। राइट क्लिक ऑन एन आइकन ओपन्स अ शॉर्टकट मेनू और पॉपअप मेनू शोइंग अ लिस्ट ऑफ ऑप्शन। राइट क्लिक से जो हमारी एक लिस्ट खुलती है वो हमारी क्या कहलाती है, उसको हम लोग शॉर्टकट मेनू या हम पॉपअप मेनू भी कहते हैं, वो लिस्ट हमारी क्या करती है, शो करती है। फिर इसमें से अगर हमें कोई चीज़ सेलेक्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट बटन को प्रेस करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग क्या होता है, क्लिक ऑन आइकन कीप द लेफ्ट माउस बटन प्रेस एंड मूव द माउस, दिस इज कॉल्ड ड्रैगिंग। अगर हम माउस के आइकन को क्या करते हैं, उस पर क्लिक करते हैं तो लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करते हैं और मूव हमारी जो माउस होती है वो हमारी क्या होती है, मूव करती है, तो वही हमारी क्या कहलाती है, ड्रैगिंग। यानी जब हमारा जो पॉइंटर शो करता है उसको हम लेफ्ट बटन से क्या करते हैं, प्रेस करके रखते हैं और उसको हम लोग छोड़ते नहीं हैं। जब हम कहीं पर दूसरे साइड में जाते हैं तो वो क्या होता है, वो जो पॉइंटर होता है वो उसी के साथ में ड्रैग करता है। जब हम माउस छोड़ देते हैं वो पॉइंटर हमारा वहीं पर रह जाता है, वही हमारी क्या कहलाती है, ड्रैगिंग। यानी एक जगह से पॉइंटर को दूसरी जगह पर ले जाना, ठीक है। फिर रिलीज द बटन टू प्लेस द मूव आइकन इट्स न्यू पोजीशन, दिस इज कॉल्ड ड्रॉपिंग। यानी एक नए पोजीशन पे ले जाना जो हमारा पॉइंटर है वो हमारा क्या कहलाता है, ड्रॉपिंग। तो द इंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड ड्रैग एंड ड्रॉप। तो वो जो प्रोसेस हो रहा है वो हमारा क्या कहलाता है, ड्रैग एंड ड्रॉप। स्क्रॉलिंग, स्क्रॉलिंग क्या है, रोलिंग द स्क्रॉल व्हील ऑफ द माउस अप और डाउन इज कॉल्ड अ स्क्रॉलिंग। यानी जो हमारा ये स्क्रॉल बटन होता है ना, इसी को हम लोग क्या करते हैं, या तो अप करते हैं या तो डाउन करते हैं ना उसको, अप एंड डाउन, ठीक है, वही हमारी क्या कहलाती है, स्क्रॉलिंग। स्क्रॉलिंग हेल्प्स टू मूव पेज ऑफ अ डॉक्यूमेंट अप एंड डाउन। स्क्रॉलिंग से हमारा पेज क्या होता है, मूव करता है अप एंड डाउन, ठीक है। तो देखिए ये इस इमेज में वो क्या कर रहा है, शो कर रहा है, व्हील हमारी क्या हो रही, अप एंड डाउन। तो माउस चैप्टर में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। तो आपको क्या करना है, एक बार इसे अच्छे से रीड करना है और रीड करने के बाद में उसे समझना है कि क्या है, ठीक है। क्योंकि माउस का जो यूज़ होता है मैंने बता दिया है कि उसमें सिर्फ तीन चार चीज़ें मेन होती हैं, एक आपका लेफ्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है और एक क्या होता है, स्क्रॉलिंग होता है। फिर उसके साथ ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग और स्क्रॉलिंग क्या होती है वो भी मैंने आपको बता दिया है। ओके, थैंक यू।